बारिश और बाढ़ ने संभाग में कृषि के साथ साथ बुनियादी ढांचे और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। केंद्रीय टीम ने संभाग के विभिन्न गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इस संबंध में केंद्रीय टीम ने संभाग आयुक्त कार्यालय में हुई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में जिलेवार क्षति की समीक्षा की। नागपुर मंडल में जुलाई के महीने में औसतन 360.10 मिलीमीटर बारिश होती है। इस साल वास्तव में 684.22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। औसत वर्षा से 190% अधिक बाढ़ की स्थिति, लगातार बारिश ने कृषि फसलों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। चूंकि नदी के किनारे के गांवों में बाढ़ का खतरा था, ऐसे गांवों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान की है और भारी बारिश और बाढ़ के कारण नुकसान का आकलन किया गया है। संभाग आयुक्त राधाकृष्णन बी ने कहा है कि सरकार को तदनुसार रिपोर्ट सौंपी जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।